Hello everyone, welcome to Gur Academy. I am Gurjeet Kaur and today's topic is British Agrarian Policy. This topic is about BA Final Syllabus important topic of history. In this topic, we discuss about the agrarian policy of Britishers to the Punjab. What was the impact there on the peasants of Punjab and what were the changes at that time? So let's start. First of all, हम discuss करेंगे इस agrarian policy के factors. Factors means why they adopted this policy. सबसे पहले हम जानते हैं कि पंजाब बहुत ही उपजाऊ fertile land है, तो इनको Britishers को ये पता था कि पंजाब की स्थिति ऐसे agriculture के तौर पर state के तौर पर बहुत important है. Why couldn't we use this? So सबसे पहले पंजाब की उपजाऊ धरती भी एक रीजन थी. दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स ने पंजाब के लिए एक डिफरेंट एग्रीरियन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था. सेकंड वन, पंजाब से एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पंजाबीज. तो पंजाबियों का ये मेन ऑक्यूपेशन था. देखो, किसी भी स्टेट का जब भी एग्रीरियन जो है वो फर्टाइल होगी जमीन, तो उससे रिलेटेड जो किसान होंगे उनकी मेन पॉलिसी हमेशा ही मेन वर्किंग जो है वो एग्रीकल्चर ही होगी. थर्ड वन, जील ऑफ पंजाबीज फॉर मॉडर्नाइजेशन. इसके अलावा पंजाबी ऐसे थे कि वो जल्दी ही मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करते थे. जब ब्रिटिशर्स ने किसी भी स्थिति को चेंज करने के लिए या एग्रीकल्चर के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, तो पंजाबियों ने उसको बड़े आसानी से अडॉप्ट कर लिया. तो इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए भी ईजी रहा कि पंजाब में न्यू एग्रीरियन पॉलिसी को फॉलो किया जा सके. फोर्थ वन, पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी पंजाब में अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे. तो पर्सनल इंटरेस्ट में हम यही चीज जान सकते हैं कि भारत में वो लोग आए तो यहाँ से वो भूमि कर के रूप में बहुत सारा खजाना जो है, लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे, वो सब अपने साथ लेके जाते थे. उन्होंने देखा कि पंजाब बहुत फर्टाइल लैंड है, अगर हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे तो लैंड रेवेन्यू बहुत अच्छा मिल सकता है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का देखने को मिलता है. Then, aim of public welfare. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर के लिए भी अपना काम किया. उनको लगा कि इससे एग्रीकल्चर की कंडीशन चेंज होने से लोगों की स्थिति में भी बदलाव आएंगे. सो इसलिए भी उन्होंने भारत में एग्रीरियन पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया था. देन एज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन. इसके अलावा इस समय भारत में आधुनिकरण और मशीनीकरण का जो है युग आरंभ हो चुका था, और इस चीज को जो है हर एक प्रोविंस में ब्रिटिशर्स ने लागू करने की कोशिशें जारी कर दी थी. सो दीज वर द फैक्टर्स दैट वर अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन पंजाब. नाउ वी डिस्कस्ड द फीचर्स ऑफ एग्रीरियन पॉलिसी. फर्स्ट फीचर इज एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए काम करना शुरू किया. उनका मानना था कि यहाँ की पहले तो खास स्पेशलिटीज को देखा जाए, देन वी विल वर्क ऑन दैट. सो फर्स्टली उन्होंने 1851 में पंजाब एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट की. ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, उसके प्रधान हेनरी लॉरेंस के द्वारा इसको शुरू किया गया था. रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इसके जो उपप्रधान थे और हेनरी पॉप जो है इसके सेक्रेटरी थे. इस सोसाइटी में 5 मेंबरों की काउंसिल बनाई गई थी और गवर्नर जनरल जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी, वो इसके सरप्रस्ट थे. तो 1851 के एंड में इस सोसाइटी में 105 मेंबर्स हो चुके थे, जिसमें सिर्फ अभी 6 इंडियन थे. सोसाइटी का जो मेन ऑफिस था दैट वाज इन लाहौर. तो इसके द्वारा जो है सोसाइटी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. तो इसका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी का क्या था? सबसे पहले कृषि में सुधार करना, देन जो हमारे फील्ड है उसमें जो है मैन्योर को प्रचलित करना, और कृषि के लिए टूल्स में सुधार करना, नए टूल्स को जो है किसानों को उसकी जानकारी देना, पशुओं की नस्लों को सुधारने में ध्यान देना, सब्जियों में सुधार करना, नई किस्म की सब्जियों को प्रचलित करना, और पंजाब में बहुत अच्छी किस्मों की फल पनीरी और पौधे जो है उगाने के लिए नर्सरी स्टाब्लिश करना. तो लाहौर में जो है नर्सरी खोली गई, जिसमें जो है सोसाइटी की तरफ से कृषि के विकास के लिए अलग अलग तजर्बे किए गए, जिसमें उसमें देखा गया उस नर्सरी में अलग अलग फल फूल सब्जियां ये सब जो है उगाने के ऊपर जोर दिया गया.
इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोसाइटी ने अनेक और काम किए, जैसे कि लाहौर में एक सोसाइटी मॉडल नर्सरी कायम की गई, जिसमें जो है एक स्कूल भी खोला गया और कृषि के विकास के और अवस्था और नए बीजों नए फसलों के बारे में जो है अंग्रेजी और दूसरे लोगों को अलग अलग भाषाओं में जो है छोटे छोटे पैम्फलेट्स जो है बनाकर जो है छपवाए गए और लोगों में बांटे गए। और 1851 से लेके 1871 तक सोसाइटी को जो है बहुत जो है सक्सेस हासिल हुई, और एक तरफ तो सरकारी सहायता मिल रही थी इसका रीजन था, और दूसरा ये था कि सोसाइटी में बहुत सारे यूरोपियन थे, उच्च घराने के लोग थे, पर कहीं ना कहीं इसका एक हमें नुकसान देखने को भी मिलता है, क्योंकि आम किसानों के लिए इसके लिए कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि सोसाइटी में कॉमन हम पीजेंट की बात करें उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने के लिए कोई भी पैरवाई नहीं की गई, तो यहाँ पर एक लैक जो है एक लॉस हमें देखने को मिलता है। अब इस दौरान पंजाब में अलग अलग जिलों में कई नई फसलें उगाएंगी, जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, शलगम, इनके तजर्बे किए गए। देन 1906 में पंजाब में खेतीबाड़ी से रिलेटेड कृषि से रिलेटेड डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हुई। 1909 में पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया और इसके द्वारा जो है शिक्षा और खोज के केंद्र जो है ये दोनों केंद्र बन चुके थे, और यहाँ से जो है इस खोज विभाग से आगे एक्सपेरिमेंट लाहौर, मुल्तान, मेंटगमरी, रावलपिंडी, गुरदासपुर, जलंधर, हांसी इन जगह पर भी किए गए, और इन जगह पर जो है फसलों को खराब होने से बचाने के लिए फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया गया और नए जो सीड्स हैं उनका भी यूज किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए एक तरह से सक्सेसफुल हुए और उन्होंने सारे पंजाब को इसको धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया। Then second work that British has done in Punjab that was the introduction of new seeds and new crops. So हम देख चुके हैं पिछले में कि उन्होंने experiments किए, वो experiments successful हुए, अब उन्होंने पंजाब में जो है नए seeds और नए crops जो है इंग्लैंड, अमेरिका और देशों से जो है मंगवा कर यहाँ पर बीजने शुरू कर दिए थे पंजाब में। तो यहाँ पर जो है हमें बहुत सारे नए सीड्स की बात की गई, जैसे गेहूं के नए सीड्स हैं पंजाब 11 और पंजाब 18, जिनसे पंजाब में बीजने से पैदावार में बढ़ोतरी हुई थी। 1915-16 में पंजाब 11 में जो है गेहूं की पैदावार 27,500 एकड़ जमीन में हुई, जो 1924-25 में बढ़कर जो है 8,90,000 एकड़ में हो गई थी। पंजाब 8A के अधीन 1919 से 20 के बीच में 605 एकड़ जमीन थी, जो 1924-25 में 2,58,000 एकड़ तक हो चुकी थी, और ये धीरे धीरे जो है जमीन बढ़नी शुरू हो गई थी और इससे जो है फसल जो है जो पैदावार है वो भी बढ़नी शुरू हो गई थी। इसके अलावा पंजाब में अमेरिकन 4F नामक जो है कपास के बीज को लाया गया 1915 में, और यहाँ पर जो है कुछ ही वर्षों में देसी कपास को जो है देसी कपास की जगह पर ये कपास के बीज बीजने से हमारी जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। देन पंजाब में कुछ नई फसलें उगाने के ऊपर उत्साह दिया गया, जैसे कि पिछले में मैं बता चुकी हूँ कि फ्लैक्स को उगाने के ऊपर। देन इसके अलावा जो है पंजाब में शलगम उगाने के ऊपर जोर दिया गया, नीर उगाने के ऊपर जोर दिया गया। 1901 में 91,000 एकड़ जमीन के ऊपर नील की काश्त किए जाने शुरू हो गई। इसके अलावा पंजाब में चुकंदर, मटर, फूलगोभी ऐसी वेजिटेबल्स को भी उगाने के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया गया था। तो इससे पंजाब में किसानों के पास एक तो गेहूं के अलावा भी बहुत सारी और वेजिटेबल सब्जियां आ गई थी जिनको जो है उन्होंने बीजना शुरू कर दिया था। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट या नेक्स्ट डेवलपमेंट पंजाब में थी, दैट वाज अ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का मशीनीकरण। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है एनिमल्स का यूज करके कृषि के कामों में जो है उनकी सहायता ली जाती थी, पर यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पंजाब के किसानों को मशीनों को यूज करने के लिए बोला, जैसे कि गन्ने का रस जो है एक तरह से निकालने के लिए पहले एनिमल्स को यूज किया जाता था, अब मशीन का यूज करना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा खेतों में जो बीजने के लिए ड्रिल की उपयोग करना शुरू कर दिया गया। देन 19 जो हमारी शताब्दी है
अंतिम सालों तक थ्रेशिंग मशीन पंजाब में आ चुकी थी। इसके अलावा जो है पर्शियन व्हील के द्वारा जो है कुओं से पानी निकालना शुरू कर दिया गया था। 1903-304 से जो है पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले जो पक्के खू थे, जो वेल थे, उनकी गिनती 2,76,000 तक हो चुकी थी। 1921 में किसानों के लिए 1,000 जो वेल्स है उनको और बना दिया गया था। 1947 में 57 विलेजेस में बिजली आ चुकी थी, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी, और इलेक्ट्रिसिटी आने से ट्यूबवेल का यूज होना शुरू हो गया था। सो दिस वाज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट और नेक्स्ट फेज दैट ब्रिटिशर्स हैड डन इन द पंजाब। नेक्स्ट, पंजाब में इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड ऑफ कैटल। अब उन्होंने कृषि का सुधार कर लिया, बीजों का सुधार कर लिया, मशीनें यूज करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने एनिमल्स, क्योंकि हमारा जो एक तरह से एग्रीकल्चर के साथ डेयरी फार्मिंग का वर्क भी चल रहा था पंजाब में, काफी अच्छा डेवलप था, तो ब्रिटिशर्स ने इसको और डेवलप करने के लिए वर्क किया। इसके लिए उन्होंने हिसार में कैटल फार्म की स्थापना की और पशुओं की जो बढ़िया किस्म की नस्लें हैं उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। अलग अलग जिलों में पशुओं की लिए जो है एक तरह से वैद्य या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हुई, अस्पताल खोले गए, हॉस्पिटल्स खोले गए। 1931 पंजाब में 287 हॉस्पिटल थे, 1931 में जो है ये बढ़कर 9,35,000 जो है पशुओं का इलाज होने लग गया। 1916 से लेकर 31 के दौरान हिसार में पशु फॉर्म से पंजाब के अलग अलग जिलों में लगभग 4700 बैल जो है भेजे जाने शुरू हो गए। Then next experiment or next work done by British in Punjab that was the irrigational facilities and schemes. तब उन्होंने पंजाब में जो सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए वर्क करना शुरू कर दिया। तो पंजाब में हम बात करें कि हम लोग नेचुरली जो हमारी रेन हो रही है, बारिश हो रही है, उससे इरिगेशन कर रहे हैं, पर इस समय किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कि अकाल ना पड़े या और प्रॉब्लम्स आए, तो उस समय उन्होंने पंजाब में कुछ नहरों का जो है निर्माण किया। कुछ नहरें तो सारा साल चलती थी, ठीक है, क्योंकि बारिश का पानी उनमें जो है 12 मंथ्स रहता था, पर कुछ नहरें ऐसी थी जिनमें जो है फ्लड के समय ही पानी आता था। तो अंग्रेजों ने पंजाब में कुछ नहरों में जैसे अपर बारी दुआब नहर, पश्चिमी जमुना नहर, सरहंद नहर, लोअर दुआब नहर, अपर सतलुज नहर, लोअर बारी दुआब नहर, सिदनेही नहर, इन सब नहरों में जो है उन्होंने वर्क किया। 1945-46 में नहरों के द्वारा सिंचाई किए जाने पर क्षेत्र लगभग 770,75,000 एकड़ तक हो चुका था, और इस क्षेत्र में जो पैदावार है वो 50% से ज्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब में हाइड्रो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड स्कीम्स भी स्थापित की थी। 1926 में मंडी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल स्कीम का काम शुरू किया गया था। 1933 में उन्होंने जो है भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया जो कि 1945 तक कंप्लीट हो गया था। सो ये उन्होंने जो है इरिगेशन में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। नेक्स्ट उनका रोल है गवर्नमेंट लोन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब कृषि के विकास के साथ साथ उन्होंने देखा कि किसानों को धन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनको शाहूकारों से कर्जा लेना पड़ता है, और ऐसे करके ऐसी स्थिति कई टाइम आ जाती है कि वो अनपढ़ है, शाहूकार इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा देते हैं, वही जमीन जो है वो शाहूकारों के पास चली जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 1817 में उन्होंने जो है अलग अलग तरह के जो है एक्ट पास किए, जिसमें सबसे पहला जो हम एक्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट वाज अ लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट दैट वाज पास्ड इन 1871। इसमें एक तरह से व्यवस्था कर दी गई थी कितना अमाउंट कौन सा व्यक्ति जो है किसान को लोन के रूप में दे सकता है। जैसे कि इस समय जमीन के सुधार के लिए 500 रुपीस तक का जो लोन है वो डिप्टी कमिश्नर देंगे, 5,000 से बढ़कर जो है फाइनेंशियल कमीशन देंगे, और 10,000 से बढ़कर जो है कर्जे की प्रवानगी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और इसके अलावा जो है ये लोन्स सही व्यक्तियों को मिल रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए इंस्पेक्शन डिप्टी कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की गई, जो कि समय समय पर चेक करते रहते थे कि ये लोन जो है वो किसानों को ही दिए जा रहे हैं या किसी और को दिए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर पैसे का मिसयूज नहीं हो रहा है, ये चेक करना जरूरी था। देन लोन्स को जो है 6-6 मंथ्स की किस्तों में 20 इयर्स के अंदर अंदर वापस करना होता था, और इसका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6.5%, और कुछ खास हालातों में इसको कम भी कर दिया जाता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वाज 4.5%।
1871 के एक्ट के अधीन कहते हैं कि कर से कुछ और भी ज्यादा मतलब अमाउंट बढ़ा दिया गया, जैसे कि 1.5 लाख रुपीस पहले तो किया गया, फिर उसके बाद 3 लाख रुपीस देने की बात की गई 1878 में। फेमाइन कमीशन ने 1880 में जो है अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 1870 एक्ट में जो है कुछ और सुधार होने चाहिए, जिसको देखते हुए उन्होंने फिर 1883 का जो है लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट पास किया, जिसमें डिप्टी कमीशन के द्वारा 1000 रुपए तक कर्जे दिए जाने लगे। 1000 रुपए से ज्यादा कर्जे जो है वो कमिश्नर के द्वारा, 5000 रुपए से ज्यादा कर्जे फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा दिए जाने शुरू हो गए। जैसे हमने 1871 का एक्ट पढ़ा था, उसमें 20 साल के अंदर पैसे वापस करने थे, इसमें भी 20 ईयर्स ही दिए गए थे। उसमें पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 था, बट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 था, ठीक है। और उसके बाद थर्ड एक्ट पास किया गया, दैट वाज एग्रीकल्चरलिस्ट लोन्स एक्ट 1884। इसमें दो चीजों के लिए लोन दिए जाना शुरू हो गया, एक तो पशु के लिए, ठीक है, एनिमल अगर आपने बाय करना है, दूसरा आपने सीड्स बाय करने हैं, तो उसके लिए उन्होंने लोन देना शुरू किया गया। तो इसमें सबसे पहले जो किसान को पशु खरीदने के लिए 100 रुपीस और सीड्स बाय करने के लिए 20 रुपीस जो है उसका लोन डिप्टी कमीशन के द्वारा दिया जाएगा। देन इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है जो हम पीछे 1883 की रेट ऑफ इंटरेस्ट करके हटे हैं, दैट वाज 6.25%। बट तीनों ही एक्ट में टाइम का जो टेन्योर है वो 20 ईयर्स ही रहेगा। तो इससे कहते हैं कि पंजाब में बहुत सारे स्टेट्स में फार्मर्स ने इसका फायदा उठाया था। कुछ एरिया मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मुल्तान, मेंटकुंडी, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, बट कुछ ऐसे जिले भी थे जो कि शायद फार्मर्स इसके बारे में जानते नहीं थे या इतने डेवलप नहीं थे, पर वो फिर भी साहूकारों से ही लोन लेते थे। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट ब्रिटिश के द्वारा एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए की गई, दैट वाज रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो किसानों की सहायता के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिशमेंट की गई। उस समय लॉर्ड कर्जन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया गया। 1905 में पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई, और जिसमें धीरे धीरे कोऑपरेटिव सोसाइटियों की गिनती जो है बढ़नी शुरू हो गई, और ये सोसाइटी जो है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसानों को लोन्स प्रोवाइड करवाती थी, और इसमें अच्छे बीज भी प्रोवाइड करवाए जाते थे, और इसके अलावा आदमी ढंग से कृषि करना फार्मर्स को सिखाया जाता था। इस सोसाइटी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इसका मतलब है कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े जो हो चुके थे उसको इकट्ठा किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगी, अगर एक परिवार है उसमें एक जो घर में है चार बेटे हैं, तो फादर के पास 1 कनाल लैंड है, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था। जब वो 1 कनाल के ऊपर पूरी कृषि हो रही थी तो ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, जब वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी तो प्रोडक्शन कम होगी। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने उनको बोला कि आप इकट्ठे मिलके ही जमीन को इकट्ठा कंसोलिडेट करके अपनी जो है बीज बो, और इससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका भी फायदा होगा, गवर्नमेंट को आप टैक्स आसानी से प्रोवाइड करवा सकोगे। देन 1936 में पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट पास किया गया, जिसमें सहकारी सोसाइटियों ने कई हजार एकड़ जो है जमीन उसकी जो है उन्होंने कंसोलिडेशन कर दी थी। लास्ट वन कंडीशन ऑफ पीसेंट्स की जो सुधारने के लिए जो वर्क किए गए पीसेंट्स के लिए ब्रिटिश के द्वारा, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लैंड रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। किसानों से जो लैंड रेवेन्यू है 1/3 से 1/2 तक लिया जाता था, ठीक है। अब किसानों को हम ये देखें कि इन्होंने अपने टैक्स बढ़ाने के लिए तो वर्क कर दिया, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए उतना वर्क नहीं हुआ। जैसे कि किसानों को इरिगेशन टैक्स देना, पहले तो वो ब्रिटिशर्स को लैंड रेवेन्यू टैक्स देंगे, फिर अगर उन्होंने नहरों से पानी लिया है, कैनाल से वाटर लिया है, देन दे हैव टू गिव इरिगेशन टैक्स। देन थर्ड वन, थर्ड टैक्स दैट द फार्मर्स हैड गिवन टू द ब्रिटिशर्स, दैट वाज शुगर के ऊपर टैक्स है, नमक का टैक्स है, देन इसके अलावा कैरोसिन यूज करते हैं उसके ऊपर टैक्स है, ठीक है। इसके अलावा जो है उनको अगर कोई फसल बोनी है तो उसके लिए फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, गोबर को एज ए मैन्योर के लिए यूज कर लेते थे।
और क्योंकि क्या हुआ कि जंगलों के ऊपर ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट का एक अधिकार हो गया, अब जंगल से लकड़ी लाना किसानों के लिए मुश्किल था। उन्होंने वो गोबर के जो है उपले बनाकर घर में खाना पकाने के लिए यूज करने शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं खेतों में खाद कम पड़गी, उससे प्रोडक्शन कम होगी। उससे सबसे बुरी बात ये हुई कि पंजाब में बहुत सारे फिनाइन्स पड़े, जैसे कि 1860-61, 1868-69, 1877-78, 1896-97, 1899 एंड 1900। इससे किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई और उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इस सब को देख के 1928 में पंजाब में एक पंजाब के किसानों ने मिलकर जो है पार्टी बनाई, दैट वाज किरती किसान पार्टी, जिनका काम था कि पंजाब के किसानों को स्थिति को सुधारा जा सके। तो ये तो हुआ हमारी एग्रीरियन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।